सो हे गाइज, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स। सो गाइज, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं अपने लॉन्गी फिटनेस के तरफ से वैदिक विलेज, जो हम लोगों का भैया हम लोगों को घुमाने लेके जा रहा है, मतलब हैप्पी भैया, बड़ा हैप्पी भैया हम लोगों का जिम का ओनर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बजे है सुबह के 6:30 बजे और सुबह वहाँ पर जाके उधम मचाने का प्लान है। तो यहाँ से निकलने से लेके वहाँ से जाने तक का पूरा सफ़र दिखाएंगे आप लोगों को और फिर वहाँ का तो मस्ती है ही है। तो गाइज़, जो मेरे चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो और ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स कंटेंट यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलो बिना बात गवाए अभी जहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो, तो इस टाइम में फ़िलहाल मैं हूँ अपने लोंगिया बैंक्वेट के सामने, अपने जिम के सामने और यहाँ पे सब इंतज़ार चल रहा है कब सब आएंगे और उसके बाद सब निकलेंगे। तो फिलहाल तो इतना सुबह कोई नहीं आया, आए हैं जो हम लोगों का मुहिम वो अपना हैप्पी भैया, मेरा भैया और मैं, हम लोग चार हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं सब कब आएगा और भैया यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत दुख से बैठा हुआ है कि कब सब आएगा, फिर हम निकलेंगे, फिर हम लोगों को खाना मिलेगा, थोड़ा बहुत जाके पेट पूजा करेंगे। तो चलो अभी रास्ते में मिलेंगे। और गाइज, अभी बहुत देर तक ये लोग हम लोगों को इंतज़ार करवाने के बाद यहाँ पे रिजू आ गया, सहेली आ गया और अपना रूपाली आ गया। और रिजू का ड्रेस सबसे देखने लायक है भाई, अपना पूरा क्रिकेटर बन के आया, बुल क्रिकेटर। सोंटू, गुड मॉर्निंग सोंटू भाई, गैरेज में गाड़ी घुसाओ। भैया सब लोग आ गए, अभी आपका कुछ रिएक्शन दे दो। सोहेली, तुम्हारे टॉपटा खूब सुंदर है, से लवली टॉप, 120 টাকা, এত সুন্দর টপ না, 70 টাকা টপ, 70 টাকা, ওয়াও, ভেরি গুড। তোমার সকালবেলা এত মেকআপ করে এসেছো, তুমি কমফোর্টেবল এত মেকআপে? তো আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার রাবণ সেনা সব আ গয়ে, সব যা রহে আবি, পুরা রাবণ সেনা আ গয়া হ্যায় ব্যাট বল লেকে। और हम लोग जाएंगे दिनू के फॉर्च्यूनर में। और दिनू का अगर बर्थडे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना दिनू का बर्थडे वाला ब्लॉग। सोहेली, सोहेली एतटा हिल पड़े कम्फर्टेबल ब्यूटी मोड ऑन कर आज बोल 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 সব রাবণ সেনারা দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন বেরোনোর অপেক্ষা। जो सवारी है वो आ गया है दिनू का फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर में जाने का मजा ही कुछ और है, और गाड़ी चलाएगा हैप्पी भैया। हम लोग कितने देर में पहुंच जाएंगे? शाम तक। कहाँ जा रहे? गुड़गांव। हम लोग अभी डल्लब से निकल रहे हैं, गाड़ी में उठ गए हैं। रिजू अपना बाल और दाढ़ी सेट कर रहा है, वो भी सहेली के बगल में बैठे हुए। और सबसे दुख भरी बात यह है कि दिनू कहाँ है, आप लोग जो गाड़ी लेके आया वो सबसे पीछे बैठा है अभी, और ऐसा भयंकर हिंदी बोलने वाला रूपाली का भी एक बार फेस दिखा देता है। रूपाली, और जितना हंसते बोलो, एक मिनट दारा तोरा चले। भैया अभी अपना फॉर्च्यूनर लेके आए हैं, हम सोचे थे भैया थॉर लेके जाएंगे लेकिन भैया अभी फॉर्च्यूनर लेके आ गए। कहाँ से आते हैं? और हम लोगों का मानू दीदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मानू दीदी ऐसे तो बहुत उछल कूद करती है, पटर पटर करती है, लेकिन जैसे कैमरा देखते है वैसे ही साइलेंट मोड पे चली जाती है। भैया सेफ जाने, भैया अच्छा लगेगा ना, पीछे
तो हे दोस्तों, हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए और हैप्पी भैया गाड़ी चला रहे हैं और बहुत मस्ती हो रहा है गाड़ी में। तो फिलहाल हम लोग बैठे हैं, मैं, रिजू, भैया, सहेली, रूपाली, अपना मुहिम और दिनू। दोस्तों, सबसे दुख बड़ी बात जो है वो है दिनू का गाड़ी होते हुए भी दिनू लास्ट में जाके बैठा, क्योंकि हैप्पी भैया को ड्राइविंग करना है। और अभी लगभग हम लोग उठ गए हाईवे के ऊपर और यहाँ से जाएंगे सीधा पाछला के तरफ और वहाँ पे ही है अपना कंट्री रोड। तो वैसे तो कंट्री रोड में हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सब एक साथ है तो पूरा रावण सेना है एक साथ, मज़ा ही आएगा। कुछ भी हो, वहाँ पे जाके बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत एंजॉयमेंट करने का प्लान है। और अभी हम लोग बाली ब्रिज में उठ गए, देख पा रहे हो दोस्तों, बाली ब्रिज के ऊपर है, हम लोग निकल रहे हैं और बहुत दूर जाना है। पहला टोल भी आ गया है, टोल क्रॉस करके ही, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत सामने भी नहीं है, एवरेज है। और हम लोग यहाँ से निकले हैं करीब करीब 7:30-8 तक, थोड़ा लेट हो गया, निकलने का बात तो हुआ था 7 बजे, लेकिन सब कोई लेट करके ही आया, हम लोग वाले ही जल्दी आ गए, बाकी सब लेट करके आए। तो निकलते निकलते सब मिला के 7:30-8 हो गया था, लेकिन घुसते घुसते भी हम लोगों का वही 8:30-9 हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से मैं आप लोगों को मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखो जहाँ पे हम लोग अभी आए वहाँ से एकदम सामने ही है पाछला की तरफ, पाछला से बाएं तरफ घुस के ही दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, सॉरी 10 किलोमीटर नहीं, वही करीब करीब 5.5 किलोमीटर, मतलब हाँ 5.8 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता है दिखा रहा है। और ये जो बाएं तरफ घुस गया है, यहाँ से थोड़ी देर जाके आ गया है कंट्री रोड। तो जैसे यहाँ से थोड़ा रास्ता अंदर वाला हो गया है, और रास्ता मेन रोड से हम लोग उतर गए, उतर के थोड़ा इधर के तरफ जाके आ जाएगा, लगभग आ भी गए। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम लोग आएंगे। देखो गाइस, वेदर पूरा एकदम बारिश होगा लग रहा है, मौसम ऐसा हो गया है पूरा बारिश होगा, पता नहीं क्या होगा, फिलहाल तो बारिश का मौसम है। और ये आ गया कंट्री रोड का गेट, इसके अंदर ही है कंट्री रोड, वो देखो लिखा हुआ रह गया है अभी कंट्री रोड लिखा हुआ है। तो अंकल ने गेट खोल दिया, अभी बोलना पड़ेगा। तो वो देखो हैप्पी भैया का फॉर्च्यूनर खड़ा है, हैप्पी भैया, बिल्लू भैया कब पहुंच गए हम लोगों को पता भी नहीं लगा, भैया लोग हम लोगों से बाद में निकले थे और पहुंच गए जल्दी। तो अभी हम लोग चले आए और ये है हम लोगों का कंट्री रोड्स, बहुत मज़ा होगा आज। ये देखो कंट्री रोड्स, सहेली, रूपाली सब आ गई, ये लोग आके पोज मारना स्टार्ट। और यहाँ पे अपने गाड़ी के अंदर से सब कुछ, बैग वगैरह, बैट बॉल, जो जो हम लोग का है, सब कुछ निकाल ले रहे हैं। और वो देखो भैया और बिल्लू भैया खड़े हैं, और अभिनव भैया जो, और एक दूसरा तीसरा गाड़ी जो हम लोग का था वो अभी तक आए नहीं, वो रास्ते में कुछ खरीदारी कर रहे हैं। ये है एंट्रेंस कंट्री रोड्स का, और यहाँ से हम लोग घुस गए, दीनू, हैप्पी भैया, बिल्लू भैया सब है सामने। और बहुत ही तगड़ा जगह है देखो अगल बगल का, और ये मानू और सहेली अपना पीछे पीछे आ रहा है। और ये ग्राउंड देखो यार, बहुत तगड़ा ग्राउंड है, बहुत तगड़ा जो व्यू है, मस्त लग रहा है, बहुत मस्त, तो बहुत मज़ा आएगा लग रहा है। और यहाँ से सीधा जाके बाएं तरफ घूम के ही है ये देखो स्विमिंग पूल, जहाँ पे रिजू अभी लुक्स दे रहा है। और स्विमिंग पूल, ये सामने वाला स्विमिंग पूल बच्चों का है, और वो जो उसके आगे वाला स्विमिंग पूल है वो बड़े आदमी लोगों को, मतलब जो एडल्ट है उनके लिए है, क्योंकि इसका डेप्थ कम है, उसका डेप्थ ज़्यादा है। और ये देखो गाइस, बहुत, ये अंदर वाला जो अभी रूम मैं दिखा रहा हूँ, ये आई थिंक लंच या डिनर का होगा, यहाँ पे खाने वाला सिस्टम है। रूपाली बड़ा मज़ा ले रहा है घूमते घूमते, और यहाँ से आगे जाके वाओ यार, यहाँ का नज़ारा भी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। आई थिंक ये सामने आप लोग अभी जहाँ जा रहे हैं चल के, वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे भी खेलने वाला ग्राउंड होगा लग रहा है मेरे को। जो देख रहा है घूम घूम के क्या है भाई यहाँ पे। तो ये देख भाई, यहाँ पे है बहुत ही मस्त सा एक ग्राउंड, वाओ यार, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। हे दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं कंट्री क्लब में। सो ये जो लोकेशन है, मैं पूरा आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। और अभी तो कुछ एक्टिविटी फिलहाल हुआ नहीं, अभी जस्ट हम लोग आए, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, बहुत मस्ती होगा, बहुत मजा होगा, सब कुछ होगा। भैया भी आ गया है, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग सब मिलके एक जगह अड्डाबाजी कर रहे हैं, जो कि है लॉन, मतलब सामने जो ग्राउंड दिख रहा है वहीं पे हम लोग बैठ के सब अड्डा मार रहे हैं। रिजू पूरा एकदम फैल के बैठ गया, और अंदर अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन भैया ने पूछा ब्रेकफास्ट मिलते मिलते थोड़ा टाइम लगेगा,
और ये देखो रिजू यार कैमरा से बहुत ज़्यादा शर्माता है, वो कैमरा में अपना फेस दिखाना ही नहीं चाहता। और मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के उसको कैमरा में दिखाता हूँ। और वहाँ पे सहेली बैठ गई और रूपाली को बोल रहा है भाई फ़ोटोशूट कर दे मेरा, यहाँ पे वो हैप्पी भैया आ रहा है। तो अभी हम लोग पूछे, भूख तो बहुत ज़ोर का लगा है क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं खा के हम लोग निकले हैं खाली पेट। तो भाई बिना खाए हुए भी कैसे ये लोग पोज दे के अपना फ़ोटो उठा रहा है देखो, और उनको फ्रंट कैमरा से ही फ़ोटो उठाना है, बैक कैमरा से इनका फ़ोटो अच्छा नहीं आता, ऐसा इनका सोचना है गाइस। तो अभी फ़ोटो सेशन होने के बाद ही हम लोग खाएंगे और चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं है। चलो गाइस, तो फ्रेश होने आया था, फ्रेश हो गया, अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल बजा है करीब करीब 8:33, तो हम लोग निकले थे डल्लभ से अपना 7:30-8:15 तक, और वही लगभग 40 मिनट का रास्ता है। और पांचला से थोड़ा बाएं तरफ घुस के फिर सीधा वो कंट्री रोड आ जाता है, बहुत सामने है, डल्लभ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पूरा डिटेल बता दूँगा आप लोग को। तो चलो अभी मस्ती करेंगे, खाएंगे, क्या लेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट वो देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सहेली को चिरा रहा है, और सहेली को हम लोग चिराने के वक्त जो सहेली हम लोगों को बोल रहा है कि मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मेरे को गुस्सा दिलाओगे तो मैं अपने भैया को बुला लूँगी और भैया के साथ चला जाएंगे। फिर हम लोग उसको और ज़्यादा चिरा रहा है। और ये देखो रिजू ऐसे ही कैमरे से शर्मा रहा है, रिजू कैमरा अपना फेस नहीं दिखाएगा। थोड़ा भैया को भी हाईलाइट कर लेते हैं, भैया को भी दिखाते हैं। रूपाली बहुत हंस रहा है भाई, रूपाली अभी क्या सोच रहा है रूपाली को ही पता है क्या बोल रहा है गुमसुम होके। और वो देखो गाइस सब आ गए, अभिनव भैया, आरूप, दुबे भैया सब आ गया, कोई अरिजीत भैया सब आ गया। अभी बात चल रहा है ये लोगों में क्या होगा कैसे हम लोग प्लान सेट करें। हे गाइस, तो अभी बैठे हैं अंदर, यहाँ पे बोल सकते हो बैल्कनी टाइप का है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ नज़ारा, इसका कुछ इस तरह का है, लॉन टाइप का है दोस्तों जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। सो अभी सब लोग खेलने चले गए ग्राउंड में, लेकिन अभी मेरे को खेलने नहीं जाना क्योंकि अभी लगा है जोर का भूख, और कुछ खाने के बाद उसके बाद जाएंगे ग्राउंड में। अभी ग्राउंड जाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि अभी बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे ग्राउंड। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, दिखाएंगे आप लोगों को कि यहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। तो गाइज बैठा था, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा क्यों ना बात किया जाए। तो अभी फ़िलहाल बैठा हूँ लॉन में और हम लोग का ब्रेकफास्ट आएगा, अभी ब्रेकफास्ट अभी बन रहा है। असल में हम लोग थोड़ा आर्ली आ गए, जल्दी जल्दी आ गए, तो ब्रेकफास्ट अभी बन रहा है, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाएंगे। और जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, अभी सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बगल में पूल है, अभी देखते हैं क्या करते हैं, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और आ गए हम लोग ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट में सबसे पहले जो आंखों के सामने मेरा है वो है पूरी। यार देखो गरम गरम पूरी आया है, और यहाँ पे आलू और मटर सूटी का सब्ज़ी भी आया है, केला रखा हुआ है, फ्रूट्स रखा हुआ है, और भी क्या क्या है दिखाएंगे आप लोगों को। उसके पहले यार आई थिंक थोड़ा खा लेना चाहिए, भैया भी बार बार बोल रहे हैं। आहा, ये जूस भी रखा हुआ है हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है। और सहेली यहाँ पे भी फ़ोन में ही बिजी है, ये नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे भी उसको फ़ोन ही चलाना है, भूख लगा है इतना जोर का यार, वो फिर भी खाया जा रहा है। और वो यहाँ पे पेंटिंग भी बहुत तगड़ा बनाए हुए हैं, पता नहीं पेंटिंग है क्या नहीं है, भैया लोग और भी बहुत कुछ ले रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये सब थोड़ा लेके मैं भी खा लेता हूँ, और मेरा वीडियो बनाने वाला तो कोई है नहीं, इसीलिए सबका वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद मेरा भैया भी आ गया, रिजू, रूपाली, सहेली सब आ गया खाना खाने। अभी हम लोग थोड़ा दिखाएंगे क्या क्या है। अच्छा जो दिख रहा है यहाँ से अभी बोल के फ़ायदा नहीं, वो आप लोग को दिखाएंगे। अभी रूपाली खा रहा है, थोड़ा रूपाली के टांग खींचा जाए रूपाली का अच्छे से। अच्छा रिजू क्या क्या लिया है देख लेते हैं, केला लिया है और उसके साथ साथ एप्पल वगैरह भी लिया है, पूरा हेल्दी डाइट ले रहा है सुबह सुबह लड़का। रूपाली यहाँ पे केला दिखा रहा है, ये यार पैथेटिक हो गया। तो ये लोग क्या खाएगा इनको पता है, यहाँ पे अंडा टोस्ट भी रखा हुआ है। अच्छा ऑमलेट, ऑमलेट यहाँ पे ऑमलेट रखा हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा कर लिए हम लोग, खा रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है ज़्यादा। और यहाँ पे अभिनव भैया भी बैठा हुआ है, अरिजीत भैया बैठा हुआ है, आरूप बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है और खा भी रहा है। आरूप भी बहुत अच्छा डाइट ले रहा है, देखो बहुत तगड़ा डाइट ले रहा है आरूप। ये तो खाते हैं, ये तो खाते हैं, ये तो खाते हैं।
लो दोस्तों, अब थोड़ा रिजू के साथ मजा किया जाए, देखते हैं रिजू क्या ले रहा है, क्या खा रहा है। रिजू तो कैमरा देख के उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन मुँह में हमेशा एक स्माइल रखता है। रिजू को पसंद नहीं है कि खाते खाते कोई उसका वीडियो बनाए, लेकिन मैं तो यार बनाऊँगा। उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा, तो देखते हैं रिजू अभी क्या क्या खा रहा है। उसके पहले रूपाली अभी किस चीज़ के लिए खड़ा है ये देखते हैं दोस्तों। ভেজিটেরিয়ান, তাহলে এখানে যে ডিম রয়েছে এই জবটা তুই কাকে কাকে দিবি? এই যে তোর প্লেটে আমরা ডিম দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ভাইয়া, প্লেট মে উসকা আন্ডা হ্যাঁ মুরগি কা। আরে হ্যাঁ, একই বাত হো গিয়া তো, লেকিন ইয়ে তো আপনি আপকো ভেজিটেরিয়ান বলতা হ্যায়। হ্যাঁ ভাইয়া, আর তোর ওই চুলের স্টাইলটা কি হলো আজকে, রাখলি না কেন? কিছু বল ভাই। রিজু, হাফ কলাটা বাঁচিয়ে রেখেছিস কেন ভাই? রিজু তোর কলাতে ফোকাস করছি, মানে খাবার কলাতে। আমাদের সয়েলি খেয়ে দিয়ে পেট ফুলিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। Okay.
भैया सब चले गए रूपाली को छोड़ के। रूपाली को तो खुला बेचारा खेले 2 मिनट। सब अभी निकल रहे हैं, सबका खाना हो गया। सबसे दुख भरा दास्तान है, रूपाली को छोड़ के सब जा रहे हैं। रूपाली टाटा। चल चल बैग ले लेंगे। जो खेत है फ्रेश होएगा छे। ए तो भाई लाला गली से मुंह में मके खाने ब्लॉक वाला चले। और अभी हम लोग जाएंगे अपने रूम की तरफ। जो हम लोगों को एक रूम मिला है, भैया के हाथ में उसका चाबी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मतलब हार्ट, जैसे ज़्यादा अगर हार्ड वर्कआउट करेगा तो हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है। कोलैप्स, हाँ कोलैप्स होने का चांस रहता है। फिर कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो होने का चांस रहता है। ये जितना एक्टर वगैरह है कि लोग स्मोक करता है। भैया सुना रूम टूर। तो गाइस फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं और एक बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा स्वीट रूम मिला है, जहाँ पे एक स्वीट सी लड़की बैठ गई है अभी। बस इस रूम में अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा टट्टी वट्टी करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। और मेरा जो कैमरा है उसको तो लाइट चाहिए। थोड़ा तो पर्दा वर्दा हटा देते हैं, गर्मी हुआ ना, ओके ठंडे रखते हैं पर्दा दे के। एक छोटा सा रूम टू रियलाइज, यहाँ पे एक छोटा सा कवर्ड भी है, सहेली यहाँ पे घुस के सो भी सकता है अंदर। अंदर भैया मेरा बीजू ऑन द वे। हाँ भैया टट्टी बीजू कर रहा है। मैंने बीजू आराम से फैल के बैठ गया। रूपाली भी आ गया। সব একের পর এক আসছে। আই থিঙ্ক এসিটা তো চিলিজ করতে হবে, নাহলে এসির ঠান্ডাটা কারো কাজ অব্দি পৌঁছাবে না। দিনু খানে কে বাদ কেসা লাগ রা হ্যায়, বহুত টায়ার্ড। আর ইয়াহাঁ পে কিসকো কিসকো টট্টি আয়া, সব হাত উপর করো, সবকো সবকো টট্টি আয়া, লেকিন কোই হাত উপর নেই কর রা হ্যায়। Yeah.
এই কথাটা কিন্তু আমি ব্লগে রাখবো। হ্যাঁ তানিয়া কি করে নেয়? सबसे अच्छा पोजीशन ले लिया दीमू, उसको पता है बेड में सब जाके लेटेगा, इसलिए वो आराम से अपना लेटने का पोजीशन ले लिया। तो अभी हम लोग है रूम के अंदर, सब रेस्ट ले रहे और ये बैक साइड में सब रेस्ट कर रहे हैं और हम लोग यहीं पे खड़े हैं। थोड़ा बहुत सोचा एक दो शॉट क्यों बना लिया जाए, तो फिलहाल तो अभी कुछ करने का है नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, इसके अंदर हम लोग रेस्ट ले रहे हैं। और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अभी फिलहाल चलते हैं गाइस। तो दोस्तों अपना मुहिम अभी एक गाने में डांस कर रहा है, जो कि गाना मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता वरना वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो ये देखो मुहिम बहुत ही तगड़ा डांस करता है बंदा, अभी वो है हम लोगों का ऐसे ग्रुप में एंटरटेन कर रहा है, तो सब मिलके मज़ा ले रहे हैं हम लोग उसका डांस का भी और जो माहौल बना हुआ है उसका भी। तो बहुत ख़राब डांस नहीं करता, अच्छा ही करता है, और सबसे बड़ी बात है अच्छा बुरा बात का बात है, एटलीस्ट सबके सामने वो डांस किया, यही बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए बंदे को। और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, हम लोगों को अच्छा एंटरटेन भी किया, बहुत मज़ा आया एक साथ। मीनू बहुत अचंभित हो गया उसको देख रहा है कि बंदा कर क्या रहा है, ये देखो बीच बीच में रोक रोक के फिर डांस, तो बहुत ही मज़ा हुआ। और उसके परफॉर्मेंस के बाद ही अगर हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा हम लोग बाहर जाए पूल वूल में, थोड़ा पूल में स्विमिंग वगैरह करें, देखते हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है क्या करेंगे देखेंगे। तो इधर भैया लेटा हुआ है, हैप्पी भैया बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने जैसे लैथ खा रहा है, और ये लोग अच्छा चिली मशरूम खा रहा है, चिली मशरूम बेड में भी फेंक दिया है, चिली मशरूम थोड़ा बेड को भी गंदा कर दिया है। और अभी दोपहर का टाइम बज रहा है, सब अभी पूल में जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना हम लोग भी थोड़ा पूल में जाए घूम के आए। और बहुत धूप था इसीलिए जल्दी जल्दी आया नहीं, रूम में ही था, चिल कर रहा था, और अभी जा रहे हैं पूल की तरफ और दिखाएंगे आप लोगों को अभी पूल में एंजॉयमेंट होगा। तो चलो गाइस चलते हैं।
तो लास्ट हम रूपाली का ये जंप दिखाएंगे स्लो मोशन में पानी में, और मुहिम का डबल वाइजिंग पोजिंग, और उसके साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ पे। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हम लोगों के वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना। बहुत जल्दी मिलेंगे बीस मंथ ब्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।